गुड इवनिंग इंडिया में अब आप तक लेकर आते हैं संगीत के रंग, आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायक अजय कुमार झा जी से। तो चलिए अजय झा जी के साथ हम और आप सराबोर हो जाएं संगीत के इंद्रधनुषी रंगों में। स्वागत करती हूँ आप सभी का भी स्टूडियो में, बहुत स्वागत करती हूँ गुड इवनिंग इंडिया के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भारतीय संगीत की लगभग 5 से 6 विधाओं में पारंगत है, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ गजलें, भजन, सूफियाना संगीत, इन सभी में आप पारंगत है, तो संगीत के सफर की शुरुआत कैसे हुई? संगीत हमारे घर में था, मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं श्री देवेंद्र झा और बड़े भाई हैं मेरे श्री राणा झा, तो घर से ही शुरुआत है, तो बचपन से ही एक लगाव रहा संगीत में, सबको सुनते रहे, तो पहले तो क्लासिकल ही करते थे कम्प्लीटली, लाइट म्यूजिक की शुरुआत में क्या हूँ लगभग 1995 से, तो जब मैं दिल्ली आया था
तो यहाँ बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप भजन क्यों नहीं गाते हैं। जब उन्होंने कुछ सुना लाइक म्यूजिक में तो वो बोले कि भजन क्यों नहीं गाते हैं। हालांकि उससे पहले मैं गजल पर बहुत सारा काम किया था, क्योंकि एक बार जगजीत जी से मुझे प्रेरणा मिली थी गजल गाने की। तो एक बार मैं सुना तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ गजल गाऊं। तो कुछ गजल उस समय मैं कंपोज किया था, तो उस समय गाता था। फिर बाद में लाइट म्यूजिक के भी और भी विधाओं में, जैसे भजन में बहुत सारे, जैसे जागरण में, माता चौकी, जन्माष्टमी में किसी ने कह दिया कि कृष्ण के भजन गाने हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो क्लासिकल होने के कारण क्या होता है कि अगर आवाज आपकी तैयार है तो आप किसी भी विधा को अगर आप गाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्लासिकल का तो उसमें कुछ ना कुछ एसेंस तो आएगा। तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो कहते थे, अजय जी आप, चूंकि थोड़ा सा आध्यात्मिक रहा हूं मैं बचपन से ही, ईश्वर के प्रति एक अलग रुझान रहा है, तो भजन गाता था तो भजन में भी जो भाव होने चाहिए कोशिश करता था मैं वो उस कंपोज में डालने का। तो लोगों ने बहुत ही सराहा। तो आपको जैसा मालूम है कि जब लोगों की सराहना मिलती है, प्यार मिलता है, तो झुकाव उस ओर हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से हर एक विधा में ध्यान चला गया और सब कुछ करने लग गए धीरे धीरे। तो शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो आपकी गायन शैली दूसरों से कैसे आप इसे अलग मानते हैं? अलग तो क्या, सभी गुरुजन हैं, जितने भी गुणी लोग हुए सबको हम लोग सुनते रहे। घराना के रूप में अगर मैं कहूँ तो मेरे घराना का नाम है ग्वालियर घराना, और उसके साथ में एक पंचगछिया घराना है जो बिहार में रहा है, बहुत ही छोटे पैमाने का घराना रहा है, बहुत कम सिंगर्स हुए हैं। तो उस घराने से मेरा ताल्लुक है। बाद में उस्ताद हाफिज अहमद खान साहब से भी कुछ दिन रहा, तो रामपुर साहिबान घराना भी जुड़ा रहा उसमें। तो लेकिन इन सब को सुनने के बाद भी मेरा कुछ मानना है क्लासिकल के रूप में। क्लासिकल आज से अगर आप बहुत दिन पहले चले जाएं तो क्लासिकल के बहुत सारे कंसर्ट होते थे और लोगों की तादाद भी उसमें अधिक होती थी। धीरे धीरे क्लासिकल की गणना जो है वो कमजोर होती है। आपको लगता है श्रोतागणों में कमी आई है? बहुत भारी कमी। क्या कारण मानते हैं इसका? आप देखिए, लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम अगर आप करते हैं, किसी का भी आप ले लीजिए, सोनू निगम जी का या अभिजीत, किन्हीं का भी, जिनका भी आप कहें बड़े जो नंबर है, उनकी, उनका कोई प्रोग्राम करें तो आपको शायद किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा शायद कि आप प्रोग्राम देखने आओ। लेकिन अगर आप क्लासिकल का प्रोग्राम करते हैं, इवन किसी नंबर व्यक्ति का भी, तो आपको इनविटेशन देना पड़ता है, आप लोगों को बुलाते हैं खास करके। बिल्कुल। और क्लासिकल जो सुनने वाले होते हैं उसमें अधिक लोग वही होते हैं जो क्लासिकल से जुड़े हुए हैं, क्लासिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, समझते हैं, जानते हैं, जो समझते हैं। तो यहां से हमें एक बात पिक करना चाहिए कि इफ यू डोंट नो द ग्रामर ऑफ समथिंग, लाइक सपोज करिए कहीं पर हिंदी के श्रोता बैठे हैं और उसमें आप स्पेनिश में कुछ भाषण दे रहे हैं, कितने लोग सुनेंगे? बिल्कुल। ठीक उसी तरह क्लासिकल में जब हम क्लासिकल गाते हैं तो क्लासिकल में जो हम आलाप करते हैं, आलाप बहुत गंभीर होता है, कई एक बार बहुत गंभीर होता है, और बहुत सारे उस्ताद, इसमें मैं गुरुओं की गलती को एक चीज मानता हूँ, मेरी बात से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि ये हमारी गलती रही है, कलाकारों की गलती रही है। ये उस्ताद लोग जो होते थे वो सभी मूड में होते थे, मूड से ही गायकी करते थे, लोगों के मूड से कोई ताल्लुक नहीं होता था उनका। तो वो अपने मूड से आलाप करेंगे, तो आलाप करेंगे तो आधा घंटा आलाप कर रहे हैं किसी राग में, सामने बैठे वाले लोग जो हैं वो राग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आलाप क्या है, तान क्या है, लयकारी क्या है, उसमें बंदिश में क्या हम कर रहे हैं, किस ताल में है, किस राग में है, कोई कुछ भी मालूम नहीं है उनको। उसमें कुछ लोग आगे में बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं जो बहुत दिन से संगीत सुनते आ रहे हैं, उनको कुछ रागों के विषय में सुनने में आता है, और उसमें भी कई एक बार गलतियां होती है। एक बार मैं राग मालकोंस में गा रहा था कहीं पर, और आगे में बैठे कुछ बुजुर्ग में से एक व्यक्ति खड़े होकर के बाद में कहते हैं, जब खत्म हो गया तो वो कहते हैं कि अजय जी कुछ राग मालकोंस में सुना था। मालकोंस पूरा खत्म हो गया और उसके बाद वो पूछ रहे हैं। तो क्या होता है कि वो जानकारी के लिए उनको कुछ रागों का नाम मालूम है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी सुनते हैं केवल एक वीआईपी तौर पे बैठ करके, चलो सबके साथ सर हिला रहे हैं अपना। और कुछ लोग समझने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और उसका एक ही कारण है कि हम संगीत को सरल करना होगा, संगीत को, और संगीत की जो शिक्षा है उसको कुछ
सस्ता करना पड़ेगा और कुछ उपलब्ध कराना होगा हर जगह, ताकि जो क्या होता है कि देखिए संगीत महंगा होने के कारण और व्यवसाय बन जाने के कारण बड़े शहरों में तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सीखने वाले चले जाते हैं कहीं ना कहीं सीख लेते हैं थोड़ा, लेकिन देहात में और वैसे शहरों की कौन देखेगा जो शहर बिल्कुल अलग है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ तो कोई सिखाने वाले है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक, और भारत गांव का देश है, हमारे अधिक लोग गांव में रहते हैं, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है, क्लासिकल के श्रोता जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हमारे रेडियो पर जो कार्यक्रम होते हैं, टीवी पर जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें परसेंटेज देखिए, आप देखेंगे फिल्मी गानों का परसेंटेज सबसे अधिक होगा, और अगर थोड़ा सा लाइट म्यूजिक में जाए, भजन, सूफियाना और ये सब चीजें जो है, कव्वाली, ये सब चीजें थोड़ी सी होती है। शास्त्रीय संगीत बहुत, शास्त्रीय संगीत नहीं के बराबर है। अच्छा, जिस समय शास्त्रीय संगीत होता है, चूंकि सब लोग नहीं समझते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो आपका कमर्शियल उस पर नहीं चल पाता है, क्योंकि कमर्शियल कहाँ चलेगा, जहाँ पब्लिक देखती है। जी, आपने अभी बात की कि हमें दूर दराज गांवों तक पहुंचना होगा ताकि संगीत जो है वो सर्वजन ग्राह्य भी बन सके और सर्वजन प्राप्य भी बन सके, सभी लोगों को मिल सके। इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता है। हम आपकी ही बात करें तो आपका यूट्यूब का एक चैनल है जिसमें 75,000 से ज्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं इसके माध्यम से, और आपके लेसन्स भी उसमें जाते हैं, इसके विषय में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल को 2005 में इस्टेब्लिश किया, और वहाँ से मैं एक टेक्निक शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट कह लें आप, कि संगीत को अगर किसी को सिखाया जाए और उसे कलाकार बनाना है हमें, तो कम से कम कितने दिन में हम कलाकार बना सकते हैं, इस पर मैं वर्क करना शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि जो संगीत अक्सर, ये कलाकार हमारे साथ बैठे भी हुए हैं, आप इनसे भी अगर पूछें, कोई भी कलाकार जो आप बाहर देखते हैं वो 20 साल 25 साल से कम में नहीं बनते हैं, लेकिन अगर उनके संगीत की शिक्षा की यात्रा जो है वो अगर आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो यात्रा है वो बहुत स्लो रही है। अगर उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ और भी चीजें उसमें शामिल है, जैसे गुरुओं का जो देने का कार्य है वो बहुत स्लो होता है, गुरु मूड में आएंगे तो सिखा देंगे, ऐसे में हम नहीं बढ़ पाएंगे हमें। और उसमें भी क्या, जो स्टूडेंट बहुत ही जुनून वाला है, जो पागल है म्यूजिक के प्रति, उसके उसका जो प्यार है म्यूजिक के प्रति वो बहुत ही बहुत ज्यादा है, और उसमें गुण भी है प्राप्त करने का, लेकिन उनको चूंकि हम स्लो ले चल रहे हैं, बहुत स्लो ले चल रहे हैं, तो वो समय तो लगेगा। तो मैं ये देखा हूं कि अगर टेक्निकली उसे सिखाया जाए और सही टाइम पर सही चीज दिया जाए उसको, अगर स्टूडेंट तैयार करता है तो हमें उसे बार बार बढ़ाना होगा, और अगर हम उस तरह सिखाते हैं तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 5 से 7 साल एक कलाकार तैयार किया जा सकता है, जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करे और 5 से 7 साल में तैयार हो जाए। लेकिन हमारे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, हमारे टीचर सभी लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल में 7 साल में म्यूजिक शुरू करती है सीखना, उसको भी क्या करते हैं, आते ही तुरंत कोर्स में धकेल देते हैं, प्रयाग संगीत समिति तो ये समिति वो समिति, किसी ना किसी में फॉर्म भरा देते हैं। अब वो उनको फॉर्म भराना, आप 6 साल के 7 साल के बच्चे को अगर आप फॉर्म भरा देते हैं, वो अगर 10 साल में विशारद कर भी जाते हैं बच्चे या प्रभाकर कर भी जाते हैं, क्या फायदा हो जाएगा उसका, जॉब तो वो 18 साल के बाद ही करेंगे। तो इन बातों को अगर हम सोचें तो शुरू के साल 2 साल मैं चाहता हूं, मैं अपना जो टेक्निक बना के रखा हूं ये कि कोई भी स्टूडेंट सीखने आता है, मैं उनको पहले ही कह देता हूं, मैं एग्जामिनेशन नहीं दिलाता हूं, मैं केवल कलाकार बनाता हूं। तो 2 साल मैं फाउंडेशन तैयार करूंगा, पेशेंस रख पाते हो तो रखो, तभी सीखो मुझसे। और जैसे ही 6 महीना क्रॉस करता है उसकी आवाज तैयार होने लग जाती है, क्योंकि 6 महीने जब मैं अलंकार का प्रैक्टिस उनको कराता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल अलंकार के द्वारा, उनकी आवाज तैयार हो जाती है। अजी झा जी, अगर हम संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल की बात करें, इसकी आपने शुरुआत की, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो मैं पहले ही बताया, एक तो रोजी रोटी भी मेरी यही है, म्यूजिक ही है, तो स्कूल खोला ताकि मैं स्टूडेंट को सिखा सकूं और कमा सकूं, परिवार चला सकूं। लेकिन केवल व्यवसाय के रूप में मैं कभी कुछ भी नहीं किया। जो मैं व्यवसाय कर रहा हूं उसे सच्चाई से किया जाए,
मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूं, तो उसका मकसद होना चाहिए कि स्टूडेंट तैयार हो, जो ज्ञान मेरे पास है वो सभी के सभी स्टूडेंट को मरने से बहुत पहले मैं डिलीवर करना चाहता हूं। मैं जो हूं, मेरे जैसे हजारों और बन जाए मेरे सामने, सबसे बड़ा मकसद मेरा ये होता है। आपके अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके स्टूडेंट्स केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग देशों से आते हैं। तो मूलतः ये जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग देशों के, क्या वो भारतीय हैं कि विदेशी भी हैं? भारतीय निश्चित रूप से बहुत हैं, परसेंटेज जो है वो 90% कह सकते हैं, लेकिन 10% में बहुत सारे हैं, जैसे वेस्ट इंडियंस हैं, जमैकन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, और भी कंट्री के हैं, इवन अफ्रीकन भी हैं। तो इन विदेशी जो विदेशी छात्र हैं, इनका नजरिया कैसा रहता है भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर? कुछ लोग तो क्लासिकल को महत्व देते हैं बहुत, और वो क्लासिकल ही सीखना चाहते हैं, लेकिन परसेंटेज जो मैं बोलूंगा वो 98% स्टूडेंट्स, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि उनका नजरिया होता है अधिकतर लाइट म्यूजिक गाने में, क्लासिकल जानना है ताकि हम सूफी सॉन्ग अच्छा से गा सकें, गजल को अच्छा से गा सकें, और लाइट म्यूजिक को अच्छे से गा सकें, बस ये नजरिया मेन होता है। भविष्य में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे? इसमें दो तीन तरह का प्रोजेक्ट है। सबसे पहला तो ये कि मैं गाँव गाँव में संगीत को पहुंचाना चाहता हूँ, चाहे मुझे स्टूडेंट्स को फ्री सिखाना पड़े, चाहे मुझे पॉकेट से पैसा लगा करके उनको खाना पीना खिला करके सिखाना पड़े, मैं गांव-गांव में पहुंचाने जा रहा हूं, सबसे पहली बात तो ये, और जिसका मैं शुरुआत कर चुका हूं ऑलरेडी। तो दूसरा ये है कि संगीत के टेक्निक को कम्प्लीटली बदला जाए, और बच्चों को तैयार करने के दृष्टिकोण से सिखाया जाए, केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं। मैं पैसा कमा रहा हूं या नहीं, इसका महत्व बाद में होगा, पहले महत्व होना चाहिए कि वो तैयार कैसा हो रहा है। और दूसरा जो एक पक्ष है वो बहुत ही मतलब गहरा है, बहुत गहरा है, जो हमारे संगीत में कहते हैं कि पहले दीपक राग गाते थे तो आग लग जाती थी, मल्हार गाते थे तो वर्षा हो जाती थी, आज क्यों नहीं, कहां पर कमी है, और उसका मैं खोज करने की कोशिश करने जा रहा हूं। कुछ और सुन सकते हैं आपसे? आइए एक सूफी जी, बिल्कुल। बल बल जाऊं बल
बल बल जाओ तोरे रंग रजुआ, तोरे रंग रजुआ, बल बल जाओ तोरे रंग रजुआ, अपनी सी कर दी रे मुझसे ना मिला, अपनी सी कर दी जी, जो संगीत सीखना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? अगर आवाज की बात करें तो कैसी तैयारी की जाए कि आवाज जो है, जैसे कहते हैं कि गले से निकले, या जो हमारे पांचों चक्र हैं उनको भी आवाज जो है वो ट्रेन करती है या वहां से आवाज निकलती है, तो कैसे आवाज की तैयारी की जाए? देखिए, इसमें भी कुछ मतभेद, मेरा कुछ अलग सोचना है। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो गाते हैं वो अंदर से ही गाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कंठ से गाने की आदत होती है। आवाज कंठ से निकलती ही नहीं है, आवाज आती ही पेट से है, बस किसी किसी को गले को दबाने की आदत होती है, तो उसको गला को जस्ट खोलने का टेक्निक दिया जाए, उसको समझाया जाए, तो वो आराम से गा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अधिक परसेंटेज जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल सही गाते हैं। उनको करना क्या होता है, तैयारी की कमी कहां होती है? जैसे मान लीजिए, मैं कुछ चीज एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे हम अलंकार करते हैं, सबसे पहले अलंकार जैसे सिखाया जाता है बच्चों को, तो मान लीजिए हम ये अलंकार दे रहे हैं उसको, सा रे गा मा रे गा मा पा, बहुत सिंपल अलंकार है। थर्ड अलंकार में नॉर्मली देते हैं स्टूडेंट लोग को, सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी दा पा नी दा पा मा धा पा मा धा पा मा गा रे सा। अब ये सरगम दिए तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि वो इसे याद कर लेते हैं, और याद करने के बाद वो समझते हैं कि मेरा काम हो गया। दूसरे दिन क्लास में जब जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स की गलतियां होती है, ये गलती है स्टूडेंट्स की कि वो याद कर लेते हैं और गुरु के पास दूसरे दिन क्लास में जब जाते हैं तो कहते हैं, गुरुजी हाँ ये अलंकार हो गया मेरा। अब गुरुजी कितने दिन तक रोक के रखें, तो फिर गुरुजी दूसरा अलंकार दे देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, उनका फाउंडेशन हर हमेशा कमजोर ही रह जाता है, क्योंकि स्वस्थान को नहीं पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या होता है, आगे इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। परिणाम क्या है कि अब कोई बंदिश है तो उनकी आवाज ही तैयार नहीं है, तो बंदिश कैसा गाते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बंदिश है, मेरा ही ये बंदिश है और सरगम पहले से है। नमन करूं मैं विद्याताई, नमन करूं मैं। अब एकदम प्लेन बंदिश है। इस तरह की बंदिश अगर कोई स्टूडेंट गाता है तो वो बहुत अच्छा कलाकार नहीं बन सकता, क्योंकि लोगों को कुछ अट्रैक्टिव चाहिए। तो बंदिश को भी एक तो हमें बदलना होता है, और आवाज की तैयारी होगी तभी होगा। जैसे देखिए, एक बंदिश मेरी रचना है, ये बच्चों को जिनकी आवाज को मैं थोड़ा सा तैयार कर देता हूं उनके लिए अक्सर ये होता है। सब में समाया है मेरो करता, तैयारी होती है उसमें। वो अगर फाउंडेशन रेडी नहीं है तो वो इस तरह की बंदिश को नहीं कर सकता। जैसे वो सब बंदिश है, बयाना धरो बलमा न करो,
देखिए ये जो स्वर का काम होता है, अगर आवाज तैयार नहीं है तो नहीं होगा। न करो मोसेरार बयाना धरो बलमा। तो आवाज को सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। शिक्षकों का भी, मैं शिक्षकों से भी निवेदन करता हूं कि जब भी कोई स्टूडेंट सीखने आता है, अगर उसको सर्टिफिकेट की जल्दी नहीं है, मतलब उम्र नहीं है, कई एक बार क्या होता है मजबूरी होती है, जल्दी से पैसा कमाना है, तो मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसे बच्चों को जो बहुत पहले से सीख रहे हैं, तो उनके फाउंडेशन को तैयार किया जाए, कम से कम साल डेढ़ साल लगा करके उसके फाउंडेशन को तैयार किया जाए। तो शुरुआत हमने राम नाम से की, तो चलते चलते क्या हम एक भजन से अंत कर सकते हैं? एक क्लासिकल स्टाइल का भजन है। संग न सहेली पाए के अकेली, संग न सहेली पाए के अकेली, अब न रात है मोरे मोरे राम, छोड़ो ना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की और गुड इवनिंग इंडिया की इस खूबसूरत शाम को आपने स्वरमय बना दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के गुड इवनिंग इंडिया के सफर में बस इतना ही, इसी मंगल कामना के साथ कि आप सब स्वस्थ रहें, मैं और मेरी पूरी टीम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।